बनेंगे तो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर से कुछ ऐसी ही खबर है। जयपुर में जेडीए परिवर्तन दस्ते की कार्रवाई सामने आई। दो इमारतों में बने 30 अवैध फ्लैट सीज कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दो इमारतों में बने थे 30 अवैध फ्लैट्स और उनको सीज कर दिया गया है। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर कार्रवाई को अमल में लाया गया। बिना अनुमति के 30 फ्लैट्स बनाए गए थे, उनको सीज कर दिया गया है। दो खंडों में को मिलाकर अवैध फ्लैट्स का निर्माण कराया गया था। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर यह कार्रवाई हुई। बिना अनुमति के ये फ्लैट्स बने थे और दो भूखंडों को मिलाकर बने थे। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? अनुमति नहीं थी और फ्लैट्स बने, फिलहाल जो कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? देखिए, जेडीए की ये कार्रवाई है, जोन नंबर 6 में कार्रवाई की गई है। बिना जेडीए की अनुमति के दो कह सकते हैं कि इमारतों में बनाकर दो भूखंडों में करीब 32 फ्लैट्स का निर्माण कर लिया गया था, जिसमें दो फ्लैट्स का जो छोड़कर 30 जो फ्लैट है उनको सीज कर दिया गया है। जो रघुवीर सैनी है, जो जो विजिलेंस टीम के जो अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में कार्रवाई की गई है। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर करीब 960 वर्ग क्षेत्रफल में बिना उप विभाजन करवाए और बिना अनुमति और स्वीकृति के अवैध रूप से 4 मंजिला बिल्डिंग के तो कह सकते हैं कि बिल्डिंग में ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब फ्लैट्स बनते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ये फ्लैट से या ये पूरी तरह से तैयार थे, रेडी टू मूव इन भी होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये जानना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स भी खरीदते हैं। क्या वहां पर भी असर पड़ेगा? कुछ लोगों को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये एक ऐसा पहला मामला नहीं है इस तरह के, बिना अनुमति के, बिना स्वीकृति के जयपुर शहर में सैकड़ों की तादाद में इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो फायदा है लोगों ने, जो निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने कोरोना काल का उठाया है। और कोरोना काल में जब विजिलेंस की जो टीमें हैं, जेडीए की जो टीमें हैं, अलग अलग कामों में लगी हुई थी, तब ये निर्माणकर्ता अपनी बिल्डिंगों को मूल रूप देने में लगे थे। लेकिन अब इनकी फहरिस्त कह सकते हैं तैयार हो चुकी है और इन पर शिकंजा कसने की अब तैयारी हो चुकी है। भले ही किसी ने इसमें फ्लैट ले लिया हो, लेकिन जब अवैध है तो उसको सीज करना जेडीए के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जेडीए पर ये सवाल उठते हैं कि अवैध निर्माणकर्ताओं को जेडीए शह देता है। यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो कह सकते हैं कि सरकारी और अवैध तरीके से जयपुर शहर के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, वो बिना कह सकते हैं कि अवैध जो कॉलोनियां हैं वो विकसित हो जाएंगी, और जो जयपुर शहर है, जो सरकारी भूमियां हैं, वो पूरी तरीके से उस पर बिल्डिंग्स हैं वो बन जाएगी। तो ऐसे में जेडीए की जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, और सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई है जेडीए दस्ते की ओर से, और इस तरह की कार्रवाई है आगे भी देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल तक की जानकारी के लिए। वापिस से बता दी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और जेडीए के ये कार्रवाई टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये फ्लैट्स है, ये वो निर्माण किया गया जो वैध रूप से गैर कानूनी है, और गैर कानूनी तरीके से बने हुए इन फ्लैट्स पर विभाग का शिकंजा कसा हुआ नजर आया। इन फ्लैट्स को सीज कर दिया गया है। दो भूखंडों